क्या हो रहा है कैसे पता नहीं, बिल्कुल ग्लिच हो रहा है, मेरे कैमरे में ना अटक जाती है। ये देखो ओ हाँ, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट करूँ सबसे ज़्यादा लेट 10:30 बजे स्टार्ट करूँ अभी मैं ब्लॉग, क्योंकि सुबह से पूरा दिन मैं 2 बजे से लेके, सबसे पहले तो आज गए हुआ था, बाकी हाँ मतलब कम से कम सुबह मैं कहीं 10 बजे गया था, वहाँ से फिर 2 बजे आया, 2 बजे मतलब मैं घर पे था आया, मतलब ये नहीं कि मैं इतनी देर से बाहर था, मतलब भी मैं 2 बजे अच्छे से घर था, मतलब कहीं 10 बजे गया, कहीं सामान लेके आया इधर उधर। अभी भी देखो कैमरे में ग्लिच हो रहा है, देखो जैसे देखो गैस मैं गया, मैं सामान लेके आया, मैंने नई क्लिप भी स्टार्ट कर लिया फ्रेशेस में नाउ, वैसे मैं कहीं गया फिर मैं आ गया, ऐसे कर करके मैं 2 बजे फ्री हो गया, कुछ भी काम नहीं था, फिर उसके बाद फिर मैं बैठा रहा, सोचा कुछ कंटेंट हो, कहीं मैं चला जाऊँ बाहर, एंड उसके बाद खाना खाया, बस यही था उसके बाद, एंड अभी सोचा चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, कुछ तो देख रहे हैं। बाकी हाँ जो मेरी तबीयत ख़राब थी वो ठीक हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत होगी तो बाकी देखते हैं। बाकी यही था, बस इधर उधर सामान लेने जा रहा था कभी पीछे से, वो भी गली के पीछे ही, तो कहीं मैं दूर जा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ भी तो, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि पीछे ही जा रहा हूँ। और बाकी ये था, आप भी सोचा चलो स्टार्ट करो, पता नहीं डेली ब्लॉगिंग कर स्टार्ट करी तो मैंने डेली ब्लॉगिंग, लेकिन लग रहा है थोड़ा कुछ हुआ, क्योंकि मतलब मेरे हफ्ते में 3-4 वीडियो तो अच्छी सी बन जाती है, 10 मिनट 12 मिनट, लेकिन वही देखो अभी मैं डेली लाइफ में, क्योंकि मैं इसमें कुछ अर्न नहीं करता तो मैं डेली में कहीं भी नहीं जा सकता, कहीं मैं सोचूं मैं रोज़ वहाँ जाऊँ, उसमें देखो लगते हैं पैसे, और मैं फालतू के पैसे ब्लॉग के अंदर खर्च करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये मेरा जो चैनल है चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं इसका कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं पता कि ये चलेगा चैनल नहीं चलेगा, या मैं आगे जाके कंटिन्यू करता भी हूँ नहीं करता, मुझे ये भी नहीं पता। अभी तो बस मैं 70 दिन तो हो ही गए, अब मैं 70 दिनों से, ये क्या हो जाता है यार, बार बार अटक जाता है मैं स्क्रीन में, तो चलो हाँ मैं 70 दिनों से डेली ब्लॉग कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही है, मैं साथ में कुछ और भी सीखता रहता हूँ यूट्यूब के थ्रू, वैसे कोई कोचिंग ज्वाइन कर रही है उसमें मेरे दिन का हाफ टाइम लग जाता है, यूट्यूब में जो मैं सीखता हूँ ना वो बहुत बड़े बड़े कोर्स है, उसमें मेरा बहुत टाइम लग जाता है लिटरली, सच में मैं बताऊँगा नहीं, कभी बाद में बताऊँगा जिस जब मुझे अच्छे से आ जाएगा वो, जब कभी अगर उससे कुछ अर्न होता है ना, कुछ फ़ायदा मिलता है तो बताऊँगा, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बस मैं ऐसे ही सीख रहा हूँ स्किल, तो वो तो बाद में बताऊँगा। बाकी हाँ अब मैं YouTube वीडियो बनाने के लिए ये हो सकता है कि मैं दिल्ली कहीं बाहर जाऊँ या जाऊँ, चलो घूमने की बात अलग है, लेकिन डेली बेसिस पे हफ्ते में 7-7 दिन कहीं बाहर इधर उधर करना, क्योंकि आप कोई से भी ब्लॉगर्स को देख लो वो घर के ब्लॉग ज़्यादा नहीं होते, बाहर ही होते हैं। मेरे पास अभी मैं हूँ भी 18 से कम, तो मेरे पास बाइक का लाइसेंस भी नहीं कि मैं दूर आपको दिखा सकूँ बाइक ले लूँ, स्कूटी है मेरे पास, अभी कोई हेलमेट नहीं है क्योंकि मैं 18 से कम हूँ। बाकी यही था, इस वजह से ब्लॉग नहीं आता है, क्योंकि मेरे से एक दो बंदों ने पूछा था जो कि जो मुझे जानते हैं, जो मेरा ब्लॉग जैसे मैंने अपने दोस्तों को शेयर करा स्कूल के ट्यूशन के, तो वो जैसे कभी हम मिलते हैं ना, बहुत सारे ट्यूशन के बंदे जो मुझे मिलते हैं जिन्हें मैंने शेयर करा वो देख भी रहे होंगे, तो वो पूछते हैं कि स्कूल के भी एक दो तो पूछते हैं कि ये क्या मतलब, तो सुने मेरे घर पे लोग ऐसे हो गया जिन्हें सबको ये लगता है कि टाइम पास चल रहा है, ये कि मैं टाइम पास कर तो आता हूँ ये सब, लेकिन ये होता जो ये है ना कि अब मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे कहीं जाऊँ, क्योंकि अब मुझे दूर जाना पड़ेगा, अब मैं हमेशा ही तो नहीं कह सकता कि पापा को साथ चलने के लिए, पापा को अपना काम भी करना होता है, पापा भी तो काम करेंगे है, क्योंकि अब मैं इतनी दूर जाऊँ भी तो मैं वहाँ स्कूटी कोई अपने व्हीकल से जा नहीं सकता क्योंकि लाइसेंस नहीं है, है? और अगर मैं जाऊँ भी अपने दोस्त के साथ, क्योंकि कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, क्योंकि फिर ना लगेंगे ऑटो रिक्शा से जाने में फालतू के पैसे, फिर बाहर लगेंगे, और क्यों इस समय डेली बेसिस में इन्वेस्ट करना इस काम के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि घूमने जाओ पैसे लगते नहीं जाना चाहिए, वो बात नहीं है, मैं मेरी बात समझो कि अगर मैं ब्लॉग बनाने के लिए बाहर इधर उधर जाऊँ तो वो पागल मुझे लगता है कि बेकार है, पागलबंदी है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्योंकि अभी कोई फॉलोअर्स आपको पता है 70 दिन हो चुके हैं, 15 फॉलोअर्स हैं जिसमें से 10 ही फॉलोअर्स बाहर गए, 5 तो मेरे अपने ही हैं जिन्हें
पांच छह ही होंगे, 7 8 वो अपने होंगे, बाकी थोड़े पांच छह हाँ बाहर के होंगे, पांच छह अपने होंगे। बाकी अभी भी देखो ग्लिच हो रहा है कैमरे का, पता नहीं क्या होता रहता है। देखो ऐसे चेक करो ना, अटकता है तो 5 7 अपने होंगे। अब इतने फॉलोअर्स, इतने टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ, कोई व्यूज़ नहीं आते, ये सब है। और अभी अगर मेरे 11 के स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, साथ साथ जो और भी कुछ काम जो मैं कह रहा हूँ सीख रहा हूँ, अगर वो भी आगे प्लान वर्कआउट होता है, वो हो गया एक दो वो चीज़ें हो गई 11, तो शायद से मैं कंटिन्यू ना करूँ, व्लॉगिंग छोड़ दूँ, तो फालतू में वेस्ट करने इस अच्छा जो मैं स्किल सीख रहा हूँ उसके लिए सेव करो। मैं यूट्यूब से सीखता रहता हूँ कि कभी तो मेरे घर में अभी कुछ है नहीं लैपटॉप वगैरह, अगर जब लैपटॉप होगा उसमें कुछ कर पाऊँ तो ये सब है। बाकी क्योंकि डेली डाउन जाऊँगा मैं, कहीं बनाऊँगा फालतू में, क्योंकि मेरा अभी ना अभी मैं कुछ पता नहीं है कि मैं सच में व्लॉगिंग करूँगा नहीं करूँगा, अभी तो बस मैं कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है करने में, लेकिन कंटेंट नहीं मिल पाता ना अभी इसमें टाइम, मुझे काम ख़राब लगता है, तो देखता हूँ क्या होता है। बाकी यही था, कंटेंट मैं बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप ना मेरी बात को उल्टा बस समझना, समझने की कोशिश करना कि ऐसा काम जिसके अंदर अपनी आपको नहीं पता आप कुछ कर पाओगे, कुछ कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे, या आप आगे कंटिन्यू करोगे। अगर मुझे ये ना कि हाँ मैंने ब्लॉगर ही बनना है, तो हाँ मैं सोचूं भी डेली बेसिस पे कहीं वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, अपनी जो मैं यूट्यूब पे वैसे कुछ सीखता हूँ उसे छोड़ के यूट्यूब अच्छे से ब्लॉगिंग करूँ, तो बात समझ में आती है। लेकिन जो अभी मुझे कन्फर्म, अगर हाँ एक साल मैं करता रहा उसके बाद जब मुझे लगा ना कि हाँ तो ब्लॉगिंग करनी ही करनी है, तो मैं अपना सारा काम मतलब पढ़ाई 12th तक करके उसके बाद कुछ भी ना काम करके पूरा ब्लॉगिंग पे फोकस करूँ, लेकिन अभी वो भी दिक्कत होती है इसलिए। और अभी कहीं मैं डेली के बेसिस पे अपने कहीं बाहर जाऊँ इधर उधर जाऊँ, एंड मतलब समझो अगर मैं डेली बेसिस पे इतना स्पेंड करूँ और आगे जाके मैं एक महीने में छोड़ दूँ तो कोई फ़ायदा होगा, तो इसलिए तो बात है, इसलिए थोड़ा टिकूँगा। तो अभी देखो उस हिसाब से मैं नॉर्मल ब्लॉग करता हूँ जैसे मेरे जो मैं डेली में करता हूँ। आप दूसरे ब्लॉगर को देखोगे वो फालतू के करते हैं, साफ सीधी बात है, कभी वहाँ जा रहे इतना कोई भी नहीं घूमता, आपको भी पता है इतना कोई नहीं घूमता, उनके पास तो चलो वो पहुँच चुके तब वो ऐसे हरकतें करते हैं। जो मैं अपना डेली ब्लॉग करता हूँ मतलब मैं जो डेली लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ वो थोड़े टाइम मेरे स्कूल खुल जाएंगे तो आपको मेरा दिन का पता चलेगा, लेकिन वो जो ब्लॉगर्स होते हैं ना उन्हें कोई कुछ काम वाम होता नहीं है, वो पूरा दिन घूमते रहते हैं इधर उधर इधर उधर, मेरे साथ ऐसा है नहीं इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाता। मेन बात ये थी क्योंकि जो जिन मैं जानता हूँ एक दो बंदों ने मुझे कहा था कि वो तो मतलब वो तो चलो मैं ये कह सकता हूँ वो बड़े ब्लॉगर हैं कमाते हैं जा सकते हैं, लेकिन कहते हैं जैसे कोई छोटे मोटे ब्लॉगर हो गए ना 100 200 वो लोग वो भी घूमते रहते, तो मेन बात होती है कुछ काम हो या ना हो, ये होता है ना बंदे फ्री बैठे तो कहीं भी घूम लो, तो ये सब भी होता है। इसलिए मैं तो यहाँ डेली ब्लॉगिंग अपने डेली लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग करता हूँ कि मैं डेली लाइफ कैसे जीता हूँ, मैं कैसे रूटीन रहता है आप लोग बताए। अगर मैंने दिन में कुछ करा है ना, अगर मैं दिन में कहीं भी बाहर गया हूँ कुछ भी मैंने ऐसी एक्टिविटी करी है तो आप लोगों को पता चल जाता है, ब्लॉग डाल दूँ। देखो आज जैसे मैं आज ऐसे डिस्कस कर रहा था, बहुत टाइम पर सोचा था आपके साथ बात करूँ, मतलब ये इस टॉपिक पे बहुत सारे लोग मैंने उन्हें कह दिया था जैसे कुछ बोलते था वीडियो बनाऊंगा उसमें सुनने का, तो ये था जैसे आज मैं तो कुछ करा नहीं तो मैंने वीडियो बना ली। एक दो दिन से मेरी तबीयत खराब थी वो पता चल गया, उससे पहले मैं कहीं बाहर गया था वो पता चल गया, घर की शिपमेंट करी वो पता चल गया, तो यही है जो अभी मेरे ब्लॉग्स चल रहे हैं वो मेरी डेली लाइफ पे चल रहे हैं धीरे धीरे करके, जब मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे एंड 1-1.5 साल होगा जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मुझे ब्लॉगिंग में कुछ करना है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छी अर्निंग हो रही है, तो हाँ मैं अच्छे से ब्लॉग बनाया करूँगा, बिल्कुल बाहर बाहर जाया करूँगा, जहाँ आप लोग कमेंट करोगे ब्लॉग बनाने के लिए वहाँ अपने ट्राई बेस्ट दिया करूँगा, पूरा पूरा दिन ब्लॉग में लगाऊंगा क्योंकि ब्लॉग बनाने में पूरा दिन लग जाता है अगर अच्छे से मैं बनाऊँ तो। एंड अभी थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ कि अभी अगर मैं अच्छे से पूरा फ्री हो जाऊँ मतलब अच्छे से इस काम के अंदर आ जाऊँ मतलब ब्लॉगिंग लाइन के अंदर यूट्यूब के अंदर अच्छे से थोड़े हो जाए, क्योंकि अभी बाहर जाने में ना थोड़ा ऐसे वो क्या नाम ऐसे बन नहीं पाते एकदम से किसी के सामने ब्लॉग बनाओ ना, इस क्योंकि इधर कोई है भी नहीं ब्लॉगर मेरे एरिया में जा रहा है तो बहुत रेयर, इसलिए बंदे मिलते रहते मैं आपको दिखाया भी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम हो जाएगा, थोड़ी जो हेजिटेशन होगी वो हटेगी तो मैं पक्का अच्छे ब्लॉग बनाया करूँगा। तो चलो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, अगर किसी ने अभी तक सुना है तो थैंक यू मतलब आपने पूरी वीडियो देखी, तो बाकी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टिल एंड बाय बाय गाइस, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे, तो बाय बाय गाइस बाय।